करनाल में अस्थाई स्कूलों को मान्यता दिलाने को लेकर ऑल हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने आवाज उठाई है। आपको बता दें कि पूरे हरियाणा से आए हुए प्राइवेट स्कूल संचालकों ने लघु सचिवालय करनाल के प्रांगण में प्रदर्शन किया। वही एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों का एक ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा गया। ऑल हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रवक्ता रविंद्र नांदल का कहना है कि इस प्रदर्शन में ज्यादातर अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, जिनको हर साल सरकार बंद करने का डर बैठा देती है, जिसके चलते स्कूल संचालकों ने अस्थाई स्कूलों को मान्यता दिलाने की मांग उठाई है। इस दौरान स्कूल संचालकों ने कहा कि जल्द से जल्द अस्थाई स्कूलों को मान्यता दी जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में स्कूलों की फीस ठीक से नहीं आ रही है एवं सरकार स्कूल की बसों पर टैक्स लगा रही है, वही पानी के बिल भी स्कूलों से लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपातकाल के समय स्कूलों को जो धनराशि दी जाती है वह भी अब तक नहीं दी गई है, जिससे स्कूल संचालकों को अध्यापकों को सैलरी देने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रदर्शन में पूरे प्रदेश से प्राइवेट स्कूल संचालक मौजूद रहे। पहले बताता हूँ, कहाँ से आए हैं, क्या मांग है? सर, ये हमारे यहाँ हर एक प्रदेश से जो प्रदेश के सभी जिलों से स्कूल संचालक पहुँचे हैं। इनमें ज़्यादातर जो है वो अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूल हैं 3200 जो प्रदेश के अंदर लगातार एक एक साल सरकार जो है हमारे को एक साल का टाइम दे के सरकार तैयार रही है, तो वो उसकी सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। दूसरा, कोरोना काल के अंदर जो स्कूलों की बसें हैं उससे प्रॉब्लम है। प्रॉपर्टी टैक्स जो लगा रही है सरकार, पानी का बिल लगा रही है उसकी है। प्रदेश के अंदर गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए सरकार ने 3 जून 2011 को एक नोटिफिकेशन जारी कर रखा है, अगर उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो प्रत्येक जो स्कूल है गैर मान्यता जिसको सरकार कहती है हर साल बंद करने का डरावा देती है, उससे प्रदेश के स्कूलों को राहत मिल सकती है। इसके बाद हमारी जो स्कूलों की जो फीस है वो एक प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही है, उसके लिए सरकार से हमारा एक अनुरोध है कि जैसे और वर्गों को राहत के तौर के पैकेज दिए जा रहे हैं, हमारे इन स्कूलों को अपनी व्यवस्था मैनेज करने के लिए कम से कम सरकार एक कोई वित्तीय राहत पैकेज प्रदान कर दे। क्या नाम आपका? रविंद्र नांदल, प्रदेश अध्यक्ष ऑल हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ। हरियाणा सरकार के आदेशानुसार 134A में 10% बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। हमारा सरकार से अनुरोध है कि वो वर्ष 2019-20 के सभी लिस्ट सभी जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंच चुकी है, अभी तक वो पैसे नहीं दिए गए हैं। दूसरा, स्कूलों की प्लेज मनी है, वो प्लेज मनी का अर्थ ही होता है कि आपातकालीन स्थिति के अंदर उससे लाभ उठाया जा सके। आज स्कूलों में फीस नहीं आ रही है, स्कूल संचालकों के पास शिक्षकों को देने के लिए वेतन नहीं है, वो स्कूल की सोसाइटी के द्वारा ही प्लेज मनी की गई है, उसको रिफंड करने के लिए आदेश जारी किए जाए ताकि उसका भुगतान टीचर्स की सैलरी में किया जा सके। ये हमारा सरकार से अनुरोध है। क्या नाम है? विनोद हसीजा, प्रवक्ता ऑल हरियाणा प्राइवेट स्कूल समझी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.